शॉर्टकट टू अस, हमने शॉर्टकट लिया अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन, और शॉर्टकट लेने के बाद एक खुला मैदान आ गया विथ नथिंग इन देम एक्सेप्ट, वहाँ कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट फ्यू गैजल्स। गाइस गैजल्स क्या होते हैं? गैजल्स होते हैं एक तरह के डियर होते हैं। आप यहाँ पर लिख लो गैजल्स का मतलब काइंड ऑफ डियर। जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग होंगी वह मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि हमने जब शॉर्टकट लिया तो हम एक खुले मैदान में पहुँच गए विथ नथिंग इन देम, वहाँ कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट फ्यू गेजल्स, यानी कुछ डियर के अलावा यानी हिरन के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग, निबलिंग का मतलब होता है ग्रेज करते हुए, जो हमें देख रहे थे लुक कर रहे थे, लुक अप सर उठा के देख रहे थे। निबलिंग द अराइड पास्चर, अराइड पास्चर मतलब अराइड पास्चर का मतलब होता है सूखी घास फूस। तो आप लोग लिख लीजिए सूखी घास फूस, सूखी घास भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइटर बताते हैं कि जब हमने शॉर्टकट लिया तो वहाँ पर कुछ डियर के अलावा कुछ भी नहीं था, और जो निबलिंग यानी चरना होता है ग्रेस करना, तो आप इसे भी लिख लीजिए ग्रेस। तो वो जो चर रहे थे वो अपना सर उठा के देख रहे थे हमें, क्या चर रहे थे? सूखी घास चरते हुए हमें देख रहे थे। एंड फ्रोन बिफोर बॉन्डिंग अवे इन टू द वॉइड, और हमारे पास आने से पहले वहाँ से भाग जाते थे। फर्दर ऑन, लगातार चलने के बाद, वेयर द प्लेन बिकम मोर स्टोनी, जो प्लेन था यानी मैदान था वो और ज़्यादा पथरीला होता गया। देन ग्रेजी, यानी घास के मैदान से वो पथरीला होता गया। ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, हर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल। आप इसे यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर देखो मैंने पहले से लिखा है, का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल। अगर नहीं दिख रहा होगा तो ज़रा फोकस करके देख लेना आप लोग, दिख जाएगा। ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, जो बड़ा सा झुंड था किसका? एनिमल्स का, एस गधों का, वाइल्ड एस का, एनिमल्स का, वाइल्ड एस यानी जंगली गधों का बहुत बड़ा झुंड था। केम इन टू व्यू, वो हमारी नज़र में आया। सैटर्न टोल्ड अस, सैटर्न ने हमें बताया था, वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, उन्होंने हमें बताया कि ये जो गधे हैं वाइल्ड एस हैं, इन्हें यहाँ पर क्यांग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यांग कहते हैं। आप इस सेंटर लाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्यांग। ही सैड पॉइंटिंग टूवर्ड ए फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, देखो गाइस फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट का मतलब होता है जैसे कोई रोड है, ठीक है, रोड पे बहुत ज़्यादा धूल भरी हो, वो मतलब रास्ता कच्चा हो और वहाँ से बहुत धूल उड़ रही हो, तो उसे कहते हैं फार ऑफ पाल डस्ट ऑफ डस्ट, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, किसने कहा? सैटर्न ने कहा, सैटर्न ने कहा पॉइंटिंग टूवर्ड द फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, एक रास्ते की ओर उन्होंने उसने इशारा किया जहाँ पर धूल बहुत उड़ रही थी इस रास्ते में। When we drew near, जब हम और पास गए, I could see the herd, herd, herd मैंने बताया था आपको ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, हम देख पा रहे थे एनिमल्स के ग्रुप को जो गैलोपिंग कर रहे थे। गैलोपिंग मतलब होता है उछल कूद, जैसे जब जानवर या फिर एनिमल्स भागते हैं तो उछल उछल के भागते हैं, हालांकि सभी उछल के नहीं भागते लेकिन जो भागते हैं उनकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो जो ऐसे है वो उछल उछल के भाग रहे थे, बता रहा है आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग एंड मासे, मासे। अब देखो गाइस यहाँ पर मासे का मतलब क्या होता है? मासे का मतलब होता है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर यानी एक साथ, वो जो है उछल कूद मचा रहे थे एक साथ, व्हीलिंग चल रहे थे एक साथ, एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, और एक कतार में वो मुड़ रहे थे, एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स। देखो गाइस मैन्यूवर्स का मतलब होता है सीरीज ऑफ मूवमेंट, कोई सीरीज है उसका जो मूवमेंट है उसे ही मैन्यूवर्स कहते हैं। वो एकदम एक साथ मुड़ रहे थे एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर, जैसे कि वो किसी सीरीज की मूवमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, जो कि उन्होंने पहले से सीख रखा है, प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है जो उन्होंने पहले से ही सीखा हुआ है। प्लम ऑफ डस्ट, प्लम ऑफ डस्ट बिलोड इन टू द क्रिस्प, देखो गाइस बिलोड का मतलब होता है गुबार,
डस्ट बिलो, यहाँ पर डस्ट बिलो लिखा हुआ है तो धूल का गुबार, तो जो प्लम ऑफ डस्ट बिलो इंटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और जो साफ हवा थी, साफ आसमान में जो धूल का गुबार उठ रहा था। तो देखो गाइस, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। चैप्टर का नाम है सिल्क रोड, और इसके राइटर हैं निक मिडलेटन और लामो। लामो कौन है पहले आप मुझे बताइए। नहीं पता, कोई बात नहीं। तो लामो जो है एक लड़की है, जो कि एक उसने एक फेयरवेल प्रेजेंट दिया था राइटर को, यानी निक मिडलेटन को। और यहाँ पर सैटन जो है, सैटन राइटर का गाड़ी का ड्राइवर है, जो कि गाड़ी चलाता है। और यहाँ पर डैनियल, डैनियल एक व्यक्ति है जो राइटर के साथ में है। तो गाइस, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।